बहुत टेंशन हो रही है, ये साल का वक्त खत्म होंगे भी कि नहीं होंगे। हाँ, ये पूरी जगह पिता खाली है। भाई कितना टाइम लगेगा जगह को फिल करने में? 15 से 20 मिनट। 15-20 मिनट अगर हो सके तो जल्दी कर दे। तुम लोगों ने किस गाने प्रैक्टिस की? मेहंदी की है रात। ओहो हाँ सोमिया, तुमने तो ऐसा इंतजाम किया जैसे पूरा मोहल्ला आ रहा है ढोलकी पे। अम्मी मेरा पसंद तो मोहल्ला तो क्या, पूरे शहर को बुला लो। मेरे भाई की शादी है। अच्छा सुने, आपने वो मिठाई का कह दिया है? जी जनाब, मैंने नुमान को कह दिया है, वो ले आएगा शाम को। अच्छा सुने, तो फिर मेहमानों को हम बिस्किट, चाय, कबाब और मिठाई। ठीक है, वो सब मैं देख लूंगी। अम्मी मेरी चूड़ियाँ। कौन सी चूड़ियाँ? वो मुझे अपना जोड़ा कल पहनना, उसके साथ की चूड़ियाँ। सोमिया इतने दिनों से तुम तैयारी कर रही हो, अभी तक तैयारी मुकम्मल नहीं हुई। अम्मी मैं अपनी तैयारी कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बड़ी की तैयारी में मसरूफ हूँ। मैं काम करती हूँ कि भाई को फोन करती हूँ। नहीं मेरी बात सुनो, तुम नुमान को मत डिस्टर्ब करो ना बेटा। कह तो रही हूँ वो गैर मुश्किल से अपने दोस्तों को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अम्मी अगर मेरी चूड़ियाँ नहीं आएंगी, मेरे पूरे के पूरे जोड़े का लुक खराब हो जाएगा। बहुत अच्छी लगोगी चूड़ियों के बगैर भी। क्या हो गया कौशल, तुम्हें बेटी को डर रही हो मेरी? अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? अगर कुछ चाहिए तो दिलवाओ। कैसे, वो कार्ड लेकर बांटने गेट के लिए गया है, थका हुआ आएगा, फिर लेकर जाएगी ये उसे। ए, मेरी बेटी के लिए मैं हूँ ना, इसे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं जाकर दिलाऊंगा। थैंक यू बाबा। मेरी बात सुने, मुझे समझ नहीं आ रही, आप थक कर आए ऑफिस से, अब आप क्या फिर बस में धक्के खाकर बाजार जाएंगे? अरे मुझे अपनी बेटी के लिए थकना हर तरह से कूल है। थैंक यू बाबा, बस मैं एक काम करती हूँ कि बैग रख के आती हूँ फिर निकलती हूँ। क्या हो गया इसमें? मेरी बात क्यों नहीं सुनते आप? अरे उसके भाई की शादी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं शायस्ता के यहाँ जा रही थी तो हातिम ने कहा कि मामू से पूछ लेता हूँ कोई काम ना हो। हाँ मामू जान, अगर कोई भी काम हो तो प्लीज बताए ना मुझे। हातिम बेटा पहले कितनी जिम्मेदारियाँ सौंपी हुई आपको, अब और काम नहीं। अरे मामानी जान कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं भी बेटा हूँ आपका। हा? बाबा निकलते हैं, अम्मी मैंने आपका वो दुपट्टा भी रख लिया है जो। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम। सुना है कि तुम्हारे काम पूरे नहीं हुए अभी तक? हाँ क्योंकि लड़कियों के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो शायद तुम लड़कों को नहीं पता। क्यों पप्पो? बाबा आप रहने दें, मैं हातिम के साथ चली जाऊंगी। बेटा तुम्हें कहीं काम तो नहीं, कोई जल्दी तो नहीं? नहीं 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 मामू जान, कोई मसला नहीं, मैं ले जाता हूँ सोमिया को। ठीक है फिर तुम लोग जाओ। ठीक है अम्मी आप फिर जरा रुके यहाँ पर, हम बस यूं गए और यूं आए। हाँ कह तो ऐसे रहे हो जैसे पिछली गली में जा रहे हो, बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है मुझे कितनी जल्दी आओगे तुम। नहीं आ जाएंगे हम जल्दी। ठीक है ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कौशल फहमीदा के लिए चाय बनाओ जी। हैं मैं जरा कपड़े चेंज कर लूँ, बैठो फहमीदा तुम आराम से। खुश नहीं लग रहे हो मुझसे, ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती ले आई हूँ तुम्हें। हाँ ये तुमने बिल्कुल सच कहा है कि आज मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे साथ आकर, लेकिन ये तुमने बिल्कुल गलत कहा है कि तुम मुझे जबरदस्ती ले आई हो, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं खुद जबरदस्ती तुम्हारे साथ आ गया हूँ। सोमी नाराज हो मुझसे? और क्या नहीं होना चाहिए मुझे, एक घर छोड़ के हमारा घर है और तुम इतनी गर्मी में मामू को बाजार लेके जाने वाली थी, आवाज दे देती मैं फौरन चला आता। मैं हमेशा ही तो तुम्हें आवाज देती हूँ। तो फिर आज क्यों नहीं? मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि तुम बैंक में हो। यार आवाज देकर तो देखती, मैं बैंक से भी चला। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा भाईजान, मैं जानती हूँ कि सोमिया और नुमान जान है आपकी, और क्यों ना हो, आखिर औलाद है आपकी, लेकिन कुछ तो ख्याल करें, इतनी गर्मी में आप सोमिया के साथ जा रहे थे, अपना ख्याल रखा करें, पहले ही आप दिल के मरीज हैं। अरे फहमीदा ये बच्चों की खुशियां ही हैं, तो जवान रखती हैं मुझे, उन्हें खुश देखता हूँ तो सारी बीमारियां भूल जाता। भाई जान अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। बस एक ख्वाहिश थी दिल की के बेटे का घर बस रहा है तो सोनिया का घर भी बस जाता। तो मैं समझ रही हूँ भाईजान आप जो कह रहे हैं,
जैसे शाइस्ता ने नुमान को अपनी बेटी देकर अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है, बिल्कुल वैसे ही मैं भी चाहती थी कि सोमिया को अपनी बहू बना लूं। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना बेटे के साथ। आप परेशान क्यों हो गए भाईजान? आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला सोमिया के लिए भी कोई ना कोई सबब जरूर बना देगा। कौसर भाभी, आपके खानदान में तो इतने सारे लड़के होंगे, क्या अभी तक किसी ने सोमिया का रिश्ता नहीं मांगा आपसे? मैंने कुछ गलत कह दिया? अच्छा, अब समझी। असल में आपके खानदान के लड़के इतने पढ़े लिखे नहीं है ना, और सोमिया के ख्वाब होंगे ऊंचे। बस यही मसला होता है, जब लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा दो ना, तो फिर इसी तरह के मसले होते हैं। नहीं फहमी, तालीम इंसान को ऊंचे ख्वाब देखना नहीं सिखाती। तालीम तो इंसान को औकात के मुताबिक ख्वाब देखना सिखाती है। बस भाईजान, अल्लाह ताला जल्द ही सोमिया का कोई सबब बना दे और आप अपनी तमाम जिम्मेदारियों से आजाद हो जाए। चाय दो। चाय? अरे चाय, मैंने तो मना भी किया था कौसर भाभी, मुझे शाइस्ता के यहाँ जाना है ना, उसने बुलाया था। मैं ऐसा करती हूँ, रिक्शे से चली जाती हूँ। सोमिया तो अब सारा दिन जान नहीं छोड़ेगी हातिम की। बैठ जाओ फहमिदा, चाय पी के जाओ, मैं फोन करता हूँ, अभी आ जाएंगे। अच्छा, कहा था ना मैंने, सोमिया अब सारे काम खत्म करके ही वापस आएगी। मैं जा रही, खुदा हाफिज़।